आप सभी ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सुना या पढ़ा होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआती दौर पर इसे अवैध करार दे दिया गया था। 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जापान के इंजीनियर सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन के रूप में की थी। शुरुआती दौर में इसे कोई सफलता नहीं मिली, परंतु धीरे धीरे बिटकॉइन की कीमत आसमान छूने लग गई और यह पूरी दुनिया में छा गई। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एनक्रिप्शन तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें इसे बनाने वाले ही जारी करते हैं और नियंत्रण करते हैं। इसे केंद्रीय बैंक या ऋण संस्था कोई जारी नहीं करता एवं न ही नियंत्रण करता है, इसलिए इस करेंसी में अत्यधिक जोखिम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 में देश के पेमेंट सिस्टम पर कोई जोखिम न आए इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी, परंतु इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दे दी थी। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, परंतु इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अपराध के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसों के आदान प्रदान को गुप्त रखा जाता है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने की अथॉरिटी है, परंतु बिटकॉइन में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का आदान प्रदान पे टू पे तकनीक के जरिए किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप बिटकॉइन पर इन्वेस्ट कर रखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। थैंक यू।